हेलो गाइस, वेलकम टू जेपी टेक एक्सपेरिमेंट। तो गाइस, हम लोग बताने जा रहे हैं एक स्मार्ट डस्टबिन, जिसके लिए हमने पहले वाला ही मैकेनिज्म लिया है और ये हमारा वीडियो का पार्ट टू है, अर्डुइनो प्रोजेक्ट पार्ट टू। तो इसमें हमारा सर्किट भी वही है, मैकेनिज्म भी वही है। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आप वो देख लीजिए और मैं इसमें फिर से एक बार सर्किट एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप लोग यहाँ पे सर्किट देख सकते हैं, हमें सबसे पहले तो एक आर्डुइनो यूनो बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, एक अल्ट्रासोनिक सेंसर की ज़रूरत पड़ेगी, एक सर्वो मोटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम सर्वो मोटर के सर्किट को समझते हैं। तो यहाँ पर जो ब्राउन कलर का वायर आप लोग देख सकते हैं, ये GND है, जो कि यहाँ पर हम लोग GND वाले वायर में पिन में देंगे। और यहाँ पर एक VCC है, यानी इसे हम 3.3 वोल्ट देंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3.3 V लिखा हुआ होगा आर्डुइनो में। और यहाँ पे ये एक ऑरेंज कलर का वायर है, जो कि सिग्नल का वायर है, जिसे हम 7 नंबर पिन पर देंगे। और अब हम अल्ट्रासोनिक पर आते हैं। तो अल्ट्रासोनिक का ये जो पहला पिन है, यह VCC है, तो ये हम लोग डायरेक्ट 5 वोल्ट, यहाँ पे 5 वोल्ट का पिन है, इस पर दे देंगे। और यहाँ पे एक ट्रैक लिखा हुआ है, उसे हम लोग डायरेक्ट पिन नंबर 6 पर दे देंगे। और ये जो इको लिखा हुआ है यहाँ पे अल्ट्रासोनिक पे, ये डायरेक्ट हम लोग पिन नंबर 7 पर दे देंगे। और यहाँ पे GND है, जो कि हम लोग इस जगह GND पर दे देंगे। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, तो प्रोग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, जिससे आप कॉपी पेस्ट करके इसे यूज़ कर सकते हैं। और गाइस, ये इस वीडियो में हम इस सीरीज़ में हम ये जानेंगे कि एक ही प्रोग्राम से हम कितने प्रकार की चीज़ें बना सकते हैं। चलिए, तो अब हम आगे इसका मेकिंग देखते हैं। आपने सर्किट तो अच्छे से समझ लिया होगा। तो अब हम इसका जो जहां हम इसे फिट करेंगे, इस मैकेनिज्म को, वो हम एक बाल्टी का यूज़ करेंगे, जो कि देख सकते हैं ये एक बाल्टी है हमारे पास। ये एक बाल्टी है जिसे मैंने अपने स्कूल के साइंस एग्जीबिशन में यूज़ किया था, तो मुझे इसमें फ़र्स्ट प्राइज़ मिला था। अगर आप बनाएंगे तो आपको ही फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम बाल्टी में मैकेनिज्म को फिट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने बाल्टी में अब मैकेनिज्म फिट कर रहा हूँ। तो मैंने सर्वो अल्ट्रासोनिक के नीचे देख सकते हैं डबल टिप लगा दिया है, और हम इसे यहाँ पेस्ट कर देंगे अब कुछ इस तरीके से। और मैंने एक देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक होल कर रखा है, ताकि हमारा अल्ट्रासोनिक निकल सके बाहर। ये जो हमारा अल्ट्रासोनिक है, इसे हम बाहर में कुछ इस तरीके से लगाएंगे, ताकि इसका ये जो फेस है ये ऊपर की ओर हो, ताकि कोई भी सामने से आए तो डायरेक्ट ना खुल जाए, वरना बेवकूफ़ी लगेगी। और ये ऐसे रहेगा तो फिर सिर्फ ऑब्जेक्ट को देखते ही ये रिस्पॉन्स करेगा। इसीलिए अब हम पहले ये जो अल्ट्रासोनिक है, हम इसे बाहर कुछ इस तरीके से फिट करेंगे। तो गाइज, अब मैं इस अल्ट्रासोनिक को कुछ इस तरीके से यहाँ फिट करूँगा, और इस तरीके से यहाँ फिट कर इस रखेंगे, और अंदर से जो वायरिंग है उसे यहाँ फिक्स कर देंगे। तो चलिए, इसे हम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। तो गाइज, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे अल्ट्रासोनिक को फिट कर दिया है। और जैसे हम यहाँ पे अपना हाथ या फिर कुछ भी ऑब्जेक्ट लाएंगे, तो ये ऑन हो जाएगा और हमारा सर्वो अप डाउन हमारे जो गेट है उसको कर देगा। तो अब हम इसके गेट को बनाएंगे। तो गेट को बनाने के लिए हमें कुछ इस तरीके के पीस की ज़रूरत पड़ेगी, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, मैं इसे पूरा दिखाता हूँ। तो गाइज, आप लोग देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से मैंने एक प्लास्टिक वुड का इस्तेमाल किया है, और ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक सेलो टेप लगा दिया है, ताकि ये ऐसे ऐसे हिल सके। और मैंने एक यहाँ कट निकाल लगा दिया है, ताकि हमारा सर्वो का वायर उधर पार हो सके, उधर निकल सके। और इसे मैंने कुछ इस तरीके से तैयार किया है। तो हम इसे ऐसे लगाएंगे कि जब हमारा सर्वो हो तो इसे ऐसे उठाए, और हमारा डस्ट जो है वो उसमें नीचे चला जाए। तो अब मैं इसे आपको दिखाता हूँ कि इसे कैसे पेस्ट करना है। तो गाइज, हम इसे कुछ यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर देंगे, ताकि जो हमारा सर्वो है वो इसे इस तरह उठाकर हमारा डस्ट अंदर चला जाए। तो इसके लिए हमें इसे यहाँ पेस्ट करना होगा, और हम हाफ ही पेस्ट करेंगे। तो चलिए, इसे पेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम सर्वो को उस पर वायरिंग करेंगे। तो गाइज, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर जो होल किया था उसमें अब हम इस वायर को इस तरह से कुछ पार कर देंगे, मतलब निकाल देंगे उधर, ताकि जो हमारा सर्वो वहाँ यहाँ इस तरह फिट हो सके।
तो इसे हम यहाँ पर इस तरह पेस्ट कर लेंगे और अंदर वायरिंग कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने सर्वो को यहाँ पेस्ट कर दिया है। अब हम इसे एक धागे की मदद से इस होल में हम वह धागा को लगा के और इससे कनेक्ट कर देंगे, ताकि जब यह उठे तो हमारे मोशन से, तो ये जब उठे तो हमारा गेट भी उठ जाए, इसलिए हम धागे से इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसे फुल कंप्लीट कर लिया है और धागे की वजह से मैंने इसके गेट को भी लगा दिया है। अब हम इसे टेस्ट करते हैं। तो देख सकते हैं जैसे मेरा हाथ इसके सामने आ रहा है, ये गेट उठ जा रहा है और ये फिर बंद हो जा रहा है। आप इतने देर में डस्ट तो डाल ही सकते हैं। तो अब अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे हो तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, और आपने अब तक हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें।